नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपकी आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे न्याय की गूंज की। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की न्याय योजना की धमक कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में देखने को मिली। आलम यह रहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की किसान न्याय योजना को देश भर में लागू करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगले साल किसानों के धान का दाम 2800 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात कही है। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में पार्टी ने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना देश भर में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। महाधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश भर के सभी किसानों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार करने का संकल्प लिया। वहीं अधिवेशन के बाद हुई जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राहुल गांधी के बताए रास्ते पर चल रही है। किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिया जा रहा है। अभी उन्हें प्रति क्विंटल धान का दाम 2,640 रुपए दिया जा रहा है। अगली बार उन्हें 2,800 रुपए दिया जाएगा। राज्य में किसानों और भूमिहीन मजदूरों को न्याय योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें किसान, भूमिहीन, आदिवासी और गरीबों को पूरा न्याय दिया जा रहा है। ई रायपुरे जेन में सम्मेलन होइस, वही जगह राहुल गांधी जी आए रही से उहे किसान मन के ऋण माफी के चेक बांटे के काम करीस। और राहुल जी 2,500 रुपया दे के बात करे रही से, लेकिन आज किसान मन ले साल जन धान बेचे हो वो 2,640 रुपया, और अगले साल जब चुनाव होई 150 समर्थन मूल्य होई ते समय 2,800 रुपया हो। बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही भूपेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य के अलावा इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रति एकड़ 9,000 रुपए किसानों को दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 2,640 रुपए मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सरकार घोषणा चाहे जितनी भी करे, लेकिन ये भी बताए कि केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर कितनी राशि दे रही है। वहीं 4 सालों से बोनस का 1 रुपया भी किसानों को नहीं मिला है। इस बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों तक जाएगी और भूपेश सरकार की हकीकत किसानों को बताएगी। घोषणा कुछ भी करे, लेकिन केंद्र में जब माननीय मोदी जी का कल तक जितनी राशि दे रहे हैं उसको भी तो बताए कि कितनी राशि दे रहे हैं। ये आज भूपेश बघेल स्टेट के आधार पर यहाँ पर कितनी राशि दे रहे हैं। 4 सालों से बोनस का 1 रुपये नहीं मिला है किसानों को। इस बात को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर जाएंगे और लोगों को बताएंगे, हमारे किसान भाइयों को। बहरहाल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्जा माफी और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुई भूपेश सरकार मौजूदा चुनावी वर्ष में भी किसानों के हित में बड़ी घोषणाएं कर रही है। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। अब देखना होगा कि 2,800 रुपए में धान खरीदी की बात चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो न्याय की गूंज कितनी ज्यादा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में ही किसान नेता स्टूडियो से जुड़ चुके हैं वैगेंद्र सोनबेर। सबसे पहले किसान नेता की ओर बढ़ूंगा। सोनबेर जी, अब भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के हित में फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। अगले साल 2,600 से 2,800 रुपए प्रति क्विंटल धान का रेट भी कर दिया जाएगा और भी तमाम योजनाओं को मुखर होकर सामने रखा है भूपेश बघेल ने। क्या लगता है सरकार की तमाम योजनाओं से आप किसान कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जब छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव हुआ तो उस समय हमारा धान का समर्थन मूल्य 1,650 रुपया था, परंतु चुनाव में कांग्रेस की सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में लाया था कि हम 2,500 रुपए आपको समर्थन मूल्य देंगे। परंतु जिस प्रकार से समर्थन मूल्य बढ़ते गया, किसानों का 2,500 में प्लस क्यों नहीं होते गया, सबसे पहला सवाल। अगर
आज ये भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम 2800 रुपए देंगे, तो 2800 तो वैसे ही हमारा 2800 के करीब हमारा समर्थन मूल्य हो ही जाता है जो आपने वादा किया था, जो आपने वचन पत्र लाया था किसानों का वोट के बदले में आपने देने का वादा किया था। दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2006 में जब पटल में आ चुकी थी तो कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को पालन क्यों नहीं किया? इसका ये हो गया कि ये भी किसान हितैषी नहीं है। मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये सिर्फ स्वांग है, ढोंग है, ये सत्ता में आने के लिए कई तरीके के प्रलोभन दे रहे हैं। अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2014 में जो मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम साक्षर लाएंगे वो भी अगर ला देते तो शायद धान का समर्थन मूल्य 4000 प्लस हो गया होता। परंतु आज भूपेश बघेल जी कहते हैं कि 2023 में हम आपको 2800 रुपए देंगे, तो ये तो किसानों का हक, वाजिब हक नहीं मिल रहा है। दे जरूर रहे हैं पर हक नहीं मिल रहा है। किसानों का हक तो बहुत उनकी मेहनत का पारिश्रमिक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो C250 प्लस का फार्मूला है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का, वो अगर किसानों को मिलता है तो हमें इनकी किसी भी प्रकार का प्रलोभन या किसी भी प्रकार का हमें इनकी रहमो करत पे रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मंडी छत्तीसगढ़ में मंडियां बंद है, मंडियां जो 240 मंडी में से सिर्फ 39 मंडी चालू है जो किसानों का प्रमुख बाजार है, तो मंडी नहीं है तो हमें समर्थन मूल्य कहां मिलेगा? मंडियां बंद है, सिर्फ सौदा पत्रक कानून दो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो लागू हुआ था वो सौदा पत्रक कानून भी आज जीवित है। तो ये भूपेश बघेल जी अगर सौदा पत्रक कानून को भी खत्म कर दिए होते तो शायद किसानों को समर्थन मूल्य मिल गया होता। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तेलंगाना की सरकार समर्थन मूल्य पे दाना दाना धान खरीद रही है और 10,000 रुपए इनपुट सब्सिडी दे रही है किसानों को, तो उसके अनुपात में छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ कोई बहुत अच्छा न्याय नहीं कर रही है। ठीक है सोनबेर जी, वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, पूरी बात आपने किसान नेता की सुनी, जो समितियां हैं उनमें सुधार कर देने से बस काफी नहीं, बारदाने की समस्या खत्म कर देने से काफी नहीं है, आपकी तमाम योजनाओं को मूर्त रूप तो दिया जा रहा है, किसान उसे संतुष्ट नहीं है, तमाम सारे वादे किए जाते हैं लेकिन उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं किसान नेता? दरअसल में किसान नेता सोनबेर जी का जो कहना है वो थोड़ा सा या तो उनकी समझ में कमी है या फिर कोई बात है। बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में किसानों से वादा किया था कि हम आपको 2500 रुपए धान की कीमत, ये नहीं कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए धान का समर्थन देगी, ये कहा था। और 2018 में हमने 2500 रुपया धान का एक भुगतान किया था। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कह दिया कि अगर आप किसानों को एक रुपया भी बोनस देंगे तो हम आपके चावल की खरीदी नहीं करेंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा और जिसके अंतर्गत आज की तारीख में 9000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने की योजना सरकार ने लागू की है और जो फसल परिवर्तन करते हैं उनको 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। जहां हमने 85 लाख मीट्रिक टन से धान खरीदी आरंभ किया था, आज की तारीख में 108 लाख मीट्रिक टन धान की हम खरीदी कर रहे हैं। किसानों की जेब में 4 साल में खूब पैसा गया है और एक किसान की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि जो परिवर्तन इस बीच में 4 सालों में आया है, इसलिए राजीव गांधी न्याय योजना की गूंज अगर अधिवेशन में सुनाई देती है, और इसके पीछे कारण भी है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका जो है कृषि पर निर्भर करता है और जब तक किसानों की माली हालत नहीं सुधरेगी, किसानों के जेब में पैसे नहीं होंगे, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उद्योग व्यापार भी उस हिसाब से उन्नति नहीं कर पाए। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच में तो पिछले 4 साल में खुशहाली आई है, उनका पहले कर्जा माफी हुआ और बाद में फिर लगातार उनके धान की कीमत। शर्मा साहब, आप बोल रहे हैं किसानों के बीच में खुशहाली आई है योजना को चलते हुए, लेकिन
जो सोनबेर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता, वो तो कह रहे हैं कि जो भूपेश बघेल सरकार है दावा करती है किसान हितैषी होने का, ऐसा है नहीं? लेकिन नहीं, बिल्कुल है, मैं भी किसान हूँ, सोनबेर जी किसान होंगे, उनकी उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है, हो सकता है उनको इतने में संतुष्टि ना हो। अब उन्होंने स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के संबंध में बहुत सारी बातें कही, तो 2006 की आप क्यों याद करते हो, वर्तमान सरकार है उसे क्यों मांग नहीं करते भाई? ये माननीय मोदी जी ने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो आपको उनसे मांग करना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। तो उन्होंने 3 काला कानून बना दिया है, दिल्ली के चौरस्तों में कील गाड़ दिए, किसानों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, और साल भर तक किसान बैठे रहे। तो दरअसल आज की तारीख में तो केंद्र में सरकार मोदी की है, हमने तो 2500 रुपए देने का वादा किया, तो 2500 रुपए मिल रहा है किसानों को, 2500 रुपए धान, 2500 रुपए से भी अधिक मिल रहा है, तो इसमें तो संतुष्ट होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार। ठीक है, संतुष्ट होना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। शर्मा साहब वापस आऊंगा, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनके पास जाऊंगा मैं। संदीप जी, पूरी बात आपने सुनी, जो भूपेश सरकार है और कांग्रेस का जो महाधिवेशन है उसमें भी ऐलान किया गया है जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, अगले साल 2600 से बढ़ाकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल भी रेट को कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी कई सारी समस्याएं हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? खड़ी कर दिया है भूपेश सरकार ने, किसानों को कर्जा माफी का वादा किया इन्होंने, लेकिन किसानों के किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ करके झांसा दिया किसानों को, हमारे कृषि पंप का जो 100 रुपया पर यूनिट पर एचपी था उसको इन्होंने कम नहीं किया, आज भी उतना ही है। किसानों को इन्होंने कहा था हम 2500 रुपया देंगे, डिफरेंस के अमाउंट जो होता है, आज मोदी सरकार ने जब 500 रुपया उसका बढ़ा दिया है तो 500 रुपये का डिफरेंस क्यों नहीं बोल रहा, जिसके बारे में वेगेंद्र जी ने कहा, तो वस्तुतः धान का वैसे अभी हमको 3100 रुपया मिलना चाहिए, तो ये 600 रुपया 500 रुपया हमारा वैसे ही दबा करके बैठे हैं किसानों का, जो पैसा हमारा दे नहीं रहे हैं। अब रह गई बात इनकी की है, जो कह रहे हैं कि हम किसानों की स्थिति बदल गई, सुरेंद्र जी बोल रहे हैं, वो सुरेंद्र जी की स्थिति बदल गई होगी, लाल बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी मोटर उसी को करके सोच रहे किसानों की स्थिति बदल गई, तो बहुत दुखद बात है। कालाबाजारी खाद में करके किसानों से हर साल 700 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं, मिट्टी को खाद है करके, कंपोस्ट खाद है बेच करके किसानों से 800 करोड़ रुपया हर साल जो है ये सरकार वसूली का काम कर रही है, नकली कंपोस्ट खाद, नकली बीज मिल रहे हैं हम किसानों को, हमारी इन्होंने दुर्दशा करके रखी हुई है किसानों की, और आज ये कहते हैं किसान की खुशहाली पर है। गांव गांव में शराब पहुंचा दिया, गांव के लोग शराब में पैसा बहा रहे हैं, हमारी हालत सुधरी। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं ऋषभ जी, गरीब किसानों के मकान बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख किसानों का मकान बन जाए, इसके लिए उन्होंने 14000 करोड़ भेजा, और राज्य का राज्यांश भी ला दिया, इनको जो 20000 करोड़ रुपए जिन किसानों को मिलना चाहिए था वो पैसा ये खा गए। उसके बदले में लघु एवं सीमांत किसान जो हैं, जिन किसानों को साल भर में 4000, किसी को 8000, किसी को 10000 रुपए दे करके, उन गरीब किसानों के जिनकी पूरी थी, जिन पक्का मकान बन जाता, जिन गरीब लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता, उनको 10-15000 रुपए दे करके इन्होंने फुसलाने का काम किया। तो आप बताइए, सरकार जो है किसानों की हितैषी सरकार है कि किसानों की शोषक सरकार है? इन्होंने किसानों के केवल गुमराह करने का काम किया, वादा किया था इन्होंने कि हम 2000 जो 2 साल का बोनस, अरे हमने नहीं दिया, हम उसी सजा भोग लिए, आप तो बोल दिए थे कि हम बोनस देंगे, कहां है वो बोनस? राहुल गांधी के सामने उन्होंने झूठ बोला कि राहुल गांधी खुद झूठ बोलते हैं, पता नहीं, वो तो दुनिया भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हमने जगह जगह फूड पार्क बना दिए हैं और किसान अपने जाके माल बेच रहे हैं। गरीब किसान जो है टमाटर बोए थे यहाँ पर, इनके चक्कर में आकर के टमाटर को सड़कों में फेंकना पड़ा, हजारों किसान इनके जो है लफाजी के कारण सड़क पर आ गए, आज ये किस मुंह से बात करते हैं? राहुल गांधी यहाँ करके झूठ बोल करके चले जाते हैं। पिछले बार आए थे वो, जब चुनाव के पहले उन्होंने एक अंग्रेजी में कहा था, हम पूरा दाना दाना धान खरीदेंगे, नो लिमिट, अंग्रेजी बोल करके गए थे भैया, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं रहेगा। इन्होंने 20 क्विंटल भी नहीं कहा, किसान जितना धान लाएंगे खरीदेंगे, लेकिन आज किसान धान उपजा रहे 24 क्विंटल 25 क्विंटल 10 क्विंटल एकड़ में, आज अपने 10 क्विंटल धान को यही मंडी में जाके बेच रहे हैं, जिस मंडी कानून का इन्होंने सपोर्ट किया पूरे देश में जाकर के, जिस मंडी कानून के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया जिसको काला कानून बोलते हैं, आज जाकर के पता चलिए छत्तीसगढ़ के जिन किसानों का एक्स्ट्रा धान है वो एक्स्ट्रा धान 400-500 रुपए नीचे मंडी में बिक रहा है, किसानों का शोषण कर रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ से ले रहे हैं। ठीक है संदीप जी, किसानों का शोषण किया जा रहा है, वापस से आऊंगा आपके पास, किसान नेता के पास जाऊंगा मैं। सोनबेर जी, सोनबेर जी पूरी बात आपने संदीप जी की सुनी, आप उनकी इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि किसानों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जा रहा है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, जो एक्चुअली बात है वो उलट है?
देखिए वस्तु स्थिति मैदान में अलग है, सरकार जो है योजना बनाती है, धरातल में कुछ नहीं है। 14 क्विंटल 80 किलो धान खरीदने के बाद शेष धान किसान जो है 1200-1400 रुपए में बेचता है, उसके बाद किसान जो है रबी फसल बोता है वो भी 1200-1400 रुपए में बिकता है, परंतु कांग्रेस की सरकार मिलरों का जो प्रति क्विंटल 40 रुपया प्रति क्विंटल उनका पारिश्रमिक था उसको बढ़ा के 120 रुपए क्विंटल कर दी, जो कि 12 साल 15 साल बाद अचानक 120 रुपए प्रति क्विंटल उनकी वृद्धि हो गई उनकी मिलिंग चार्ज में, और किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मंडियां नहीं है। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में मंडियां बंद है तो समर्थन मूल्य कहां मिलेगा। मंडी अधिनियम में बहुत स्पष्ट है धारा 1971 में कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम पे बोली नहीं लगाई जा सकती, परंतु यहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है, मंडियों में मंडी अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, सफेद हाथी पाल रहे हैं और मंडी वहां पे जो है चालू नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ अपने नामुंदों को वहां पे अवसर दे रहे हैं, मजा करने का अवसर दे रहे हैं, और किसान जो है छला जा रहा है। किसानों का दर्द ना तो आज कांग्रेस की सरकार है को दर्द है ना भारतीय जनता पार्टी को, अगर दर्द होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नई राजधानी के किसानों के साथ न्याय करती। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यहाँ छत्तीसगढ़ में थी तो कांग्रेस के स्वयं भूपेश बघेल जी अध्यक्ष होने पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने किसानों के साथ वादा किया था कि हम आपका अन्याय न्याय में बदलेंगे, परंतु 2-4 साल बीत गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को, उनका व्यवस्थापन उनका पुनर्वास नीति आज भी लागू नहीं हुआ है। किसानों को बलपूर्वक तोड़ा जाता है, वापस आऊंगा सर, किसान हित ऐसी है। सुरेंद्र जी मंडियां बंद हैं, किसान कहां जाए, आप दावा कर रहे हैं दम भर रहे हैं कि किसान मुझे कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मंडियां ही बंद है, किसान कहां जाए। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो जहां 16 लाख किसानों का पंजीकरण था आज 22-23 लाख किसानों का पंजीकरण, उसी तरह से नकबा में वृद्धि हुई है। तमाम किसानों के 15 क्विंटल तक धान खरीदी सरकार जो है सोसाइटियों के माध्यम से कर 1333 सोसाइटियों को बढ़ा करके 1900 से ज्यादा किया गया है, 2200 से अधिक धान खरीदी केंद्र को और लगातार किसानों को इन सारी चीजों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमारे किसान नेता जो बहुत सारी बात कह रहे हैं, एक किसान के हिस्से से कुछ बातों से उनसे मैं सहमत जरूर हूं, मगर सरकार की अपनी सीमा है। छत्तीसगढ़ की सरकार वास्तविक में देखा जाए तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार किसानों के संबंध में विचार करने वाली, किसानों का हित चिंतन करने वाली पहली सरकार है, जिसने कम से कम किसानों को उनकी न्यूनतम आय को देने का तो सुनिश्चित किया है, और निश्चित रूप से किसानों के संबंध में बहुत कुछ करना बाकी है। सुरेंद्र जी आपकी बात से ये समझा जाए कि सरकार चाहे जितना भी कर ले किसानों के लिए, किसान कभी संतुष्ट नहीं होने वाला। नहीं, किसानों के देखिए मैं किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ किसान कितनी मेहनत से अपनी उपज करता है, कितना मेहनत उसको लगता है, मगर जो एक मुख्य रूप से बात ये होता है कि प्राथमिकताएं क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्राथमिकता के आधार पर किसानों की मदद के लिए आगे आ रही है। ये आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भू अर्जन कानून के अंतर्गत उद्योगपतियों से जमीन को वापस लेकर के किसानों को जमीन वापस करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है पहली बार, ये पूरे हिंदुस्तान में पहली घटना हो। और आज की तारीख में 9000 रुपये प्रति एकड़ देने की जो काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार तो लेने के 6000 रुपये सालाना मानदेय देती थी, किसानों को सम्मान निधि देती है और उसको भी 3 किस्तों में देती है, और हमारे भाजपा के मित्र लोग कहते हैं कि आप लोग राजीव गांधी न्याय योजना की किस्तों को 9000 रुपये को 4 किस्तों में देते हैं। तो बात दरअसल ये है कि नियत को देखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की सरकार की नियत किसानों की उन्नति के लिए है, किसानों के हित में है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार की नियत किसानों के प्रति बहुत अच्छी, ठीक है। सुरेंद्र जी वापस आऊंगा, समय की बात है। संदीप जी पूरी बात आपने सुरेंद्र जी की सुनी, किसान संतुष्ट नहीं होता, तमाम योजनाएं तो सरकार चला रही है
उनके लिए तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, चाहे बारदाने की बात करें, समिति की बात करें, अब तो एमएसपी भी बढ़ाने की बात कर रही है सरकार, राजीव गांधी न्याय योजना पूरे देश में लागू करने की बात कर रही है, किसान संतुष्ट नहीं होता? नहीं, देखिए सुरेंद्र शर्मा जी संतुष्ट है, वो भी एक किसान है, वो संतुष्ट है, एकमात्र किसान मेरे दृष्टिकोण से अपनी सरकार से संतुष्ट है। लेकिन किसानों की जो मांग छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से इन्होंने वादा किया, वादा खिलाफी किया। आज अभी बोल रहे थे हमारे विजेंद्र जी की 1200-1300 रुपए में धान बिकते हैं, हमारा 10 क्विंटल धान जो है जो समर्थन मूल्य 2100 से 1000 रुपये 800 रुपये कम, 8000 रुपये किसानों को चूना लग रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार में प्रति एकड़, और दूसरी तरफ छाती कूट रहे हैं हम 9000 रुपये दे रहे हैं। इनको लज्जा आनी चाहिए कि किसानों के साथ लूट हो रही है। मंडी की हालत पर बार बार वहां किसान नेता बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता चुप्पी साधे बैठे उस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। मंडी कानून के बहुत समर्थक बने थे नरेंद्र मोदी जी ने जब कानून लाया था, तो नहीं मंडी चलाएंगे, मंडी चलाएंगे, हम मंडी के समर्थक हैं। क्या हाल है छत्तीसगढ़ के मंडी का? किसानों का घोर शोषण हो रहा है, किसानों के धान की क्या दुर्दशा है वहां पर जाकर के देखें जो एक्स्ट्रा धान है। तो इनके लालच में फंस करके किसानों ने आज जाकर के रकबा बढ़ा दिया 16 लाख एकड़, लेकिन ये उबरा धान एक्स्ट्रा धान क्यों नहीं खरीद रहे हैं? दाना दाना धान खरीद रहे, इन्होंने वादा किया, किसानों ने धान उपजा करके पटक दिया 25 क्विंटल 26 क्विंटल, दाना दाना धान खरीदेंगे बोले 14 क्विंटल से ज्यादा धान, 12 क्विंटल धान आज किसान जो है 1200-1300 रुपए में बेच रहा है। रबी फसल का भी हम धान बोए, बिजली के लिए तरस रहे हैं। संदीप जी, चर्चा अपने अंतिम दौर में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता हमारे साथ सोनवीर जी जुड़े हुए थे, और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।